सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों डिजिटल न्यूज की बात करें तो iPhone 13 Pro अपने लॉन्च को लेकर काफी ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रखा है और वहीं पर एक लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है। द एलेक के रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग मैकेनिक्स iPhone 13 Pro का डिस्प्ले बनाने जा रहा है, यानी कि डिस्प्ले का मैन्युफैक्चरिंग सैमसंग मैकेनिक्स करेगी और सैमसंग मैकेनिक्स ही iPhone 13 Pro के लिए रिजिड फ्लेक्सिबल सर्किट तैयार करेगी जो इस डिवाइस को OLED पैनल से जोड़कर रखेगी, जिससे कि iPhone 13 Pro का रिफ्रेश रेट 120Hz हो जाएगा। और ये भी न्यूज आ रही है कि iPhone 13 Pro में iPhone 12 Pro के कंपैरिजन में छोटा नॉच दिया गया है। इस फोन में लिडर सेंसर और LED फ्लैश और साथ में ट्रिपल रेयर कैमरे मिल सकते हैं आपको iPhone 13 Pro में। iPhone 13 Pro में लो टेम्परेचर पॉली क्रिस्टलाइन ऑक्साइड यानी कि LPTO थिन फिल्म ट्रांसफर OLED पैनल के साथ आ सकता है। एप्पल एनालिस्ट मिक चिंग कुओ ने भी कहा है कि iPhone 13 Pro LPTO टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल प्राइस को लेके कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये फोन सितंबर अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों वेट करते हैं iPhone 13 Pro का। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए।